गाइस आज बहुत यूनिक बैटल होने वाला है और मैं सिंचन और चॉप को मौका देता हूं कि सिंचन और चॉप देखो यहां पर तीन एनिमल स्पॉनर हैं, इनमें से एनिमल्स निकलेंगे। अब इसका मतलब ये कि इसके अंदर जानवर निकलेंगे। हाँ, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जानवर निकलेंगे। लेकिन सिंचन और चॉप, मैं तुम लोगों को ऑप्शन देता हूं, इन तीनों में से कोई सा भी उठा लो, वी डोंट नो इनके अंदर से क्या निकलेगा। अरे रमान भाई, कैसे पता चलेगा इनके अंदर से क्या निकलेगा? बैटल को स्टार्ट करके तब पता चलेगा सिंचन। अरे ठीक है यार, मेरा ये ग्रीन वाला है। ठीक है गाइस, चॉप ने ग्रीन वाला उठा लिया, सिंचन तुझे क्या चाहिए? अरे रमान भाई, मैं तो ये रेड वाला उठाऊंगा। ओके गाइस, रेड वाला सिंचन उठा लिया, ग्रीन वाला चॉप ने उठा लिया, तो ये ब्लू वाला होने वाला है मेरा। ओके, बैटल को शुरू करते हैं, देखते हैं गाइस कि किसके अंदर से क्या निकल रहा है। और एक मैं तुम लोगों को बात बता दूं कि जो भी इन तीनों के अंदर से निकलेगा, आई डोंट नो गाइस के अंदर से क्या निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा वो सिर्फ 20 टाइम्स निकलेगा, यानी कि मैक्स कैपेसिटी 20 की है। अगर 20 के 20 मर गए, लेट्स से कि चॉप के अंदर से निकला, अरे मेरे अंदर से नहीं यार, मेरे अंदर से तो सिर्फ 30 निकलती है। अरे चॉप यार, वो बात नहीं कर रहा भाई, मतलब गाइस चॉप के स्पॉनर से अगर लेट्स से एक ह्यूमन निकला तो वो 20 ह्यूमंस निकलेंगे, और अगर 20 ह्यूमंस मर गए तो चॉप यहाँ पर हार जाएगा। एंड पे इस ग्राउंड में जिसका भी यूनिट चलेगा वो होने वाला है विनर। अरे चलो ठीक है यार, अमान भाई मैं समझ गया, बैटल को शुरू करो। ठीक है गाइस, आई होप कि तुम लोग भी समझ गए हो। अब देखना तो ये होगा कि एंड पे किसके यूनिट बचते हैं, सारे के सारे, यानी कि इन तीनों एनिमल स्पॉनर से सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट निकलने वाले। बैटल शुरू करते हैं, लेट्स सी गाइस कि इसके अंदर से क्या निकलता है। बाप रे बाप, मेरे अंदर से बंदर निकला यार। ओ भाई लेट्स गो, मैं जीतूंगा गाइस, मुझे पता है। अरे यार अमान भाई, आपके अंदर से क्या निकल रहा है यार? मेरे अंदर से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे अंदर से तो सिर्फ सिर्फ आवाज निकल रही है भाई। अरे मत यार, मेरे बंदर आपके इन डायनासोर को मार देंगे। ओके अच्छा, तो गाइस सिंचन के स्पॉनर से आर्चर्स निकल रहे हैं, लेकिन ये आर्चर्स तो भाई सबको मार देंगे। अरे अरमान भाई, आप लोग आपस में लड़ो, और जैसे जैसे आप लोग आपस में लड़के खत्म हो जाओगे, उसके बाद देखना मैं मारने के लिए आ जाऊंगा। अरे गाइस आर्चर्स निकल रहे हैं सिंचन के। चॉप मेरी बात सुन, हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, सिंचन को जाके मारते हैं यार। अरे मत, सिंचन को आप बहुत चालाकी कर रहे हो, मैं सिंचन को बाद में मारूंगा, पहले तो आपको मारूंगा सिंचन, हम सबको मार लेगा चॉप, मैं तुझे बता रहा हूँ। उसके पास आर्चर्स निकले यार। अरे अमान भाई, मेरे आर्चर्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, देखना यार अमान भाई, कोई भी नहीं बचेगा। चॉप तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई, सिंचन को मारो। अरे अमान भाई देखो यार, आपके सारे के सारे यूनिट मर गए यार। अरे वहां पर क्या हो रहा है? ओके गाइस, अरे तुम लोग सारे के सारे मिलके एक बंदे को मार रहे हो, मतलब एक बंदर को मारो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे यार अमान भाई, आपके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लड़े। ओके ओके, अरे 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 वापस आ रहे, जल्दी वापस जाओ भाई। लेकिन इससे हम लोगों को एक फायदा हो गया कि सिंचन के यूनिट भी मर जाएंगे। ओके ओके, हाँ गाइस अभी चॉप के यूनिट सिंचन के यूनिट के पास जा रहे हैं, लेकिन यार मुझे अगर पता होता कि आर्चर्स निकलेंगे तो आर्चर्स मैं ले लेता। अरे भाई कहां पर फैल गए, कौन जीत रहा है? मतलब यार कितने निकलेंगे यार? मेरे ख्याल से गाइस चॉप के 20 पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब चॉप के नहीं निकल रहे। अरे यार हाँ यार अमान भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, चॉप के 20 पूरे हो गए, फाइनली चॉप के पूरे हो गए, मेरे अभी भी निकल रहे, यानी कि मैं अभी भी स्पॉन कर रहा हूँ, मेरे अभी तक 20 यूनिट्स नहीं निकले। देखते हैं कि सिंचन के भी निकल रहे हैं कि नहीं। अरे यार सिंचन के भी अभी तक निकल रहे हैं, एक मिनट गाइस, हाँ मेरे अभी भी निकल रहे हैं। ओके 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 ओके, सिंचन के आर्चर्स अभी तक 20 पूरे नहीं हुए। अरे अमान भाई मेरे आर्चर तो अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब सारे के सारे आप लोग यहाँ पर चढ़ के खड़े हो गए, अब मैं कैसे थोड़ा दूर जाऊंगा, और अगर मैं दूर नहीं जाऊंगा तो यार मैं तो मर जाऊंगा। हाँ सिंचन बहुत दूर से चला रहा था ना तीर, अब तुझे पता चलेगा। ये क्या भाई, दो कहाँ से आ गए? अच्छा ये दो अभी तक जिंदा थे क्या? रहमान भाई अभी हम लोग जिंदा है यार। ओके गाइस हम लोग जीत गए, फाइनली गाइस हमारे यूनिट बहुत ज्यादा है और हम लोग जीतेंगे। अरे अरमान भाई मुझे यार ये ब्लू वाला उठाना चाहिए था, मैंने पता नहीं क्यों रेड उठा लिया, नेक्स्ट टाइम देखना यार अरमान भाई, मैं ध्यान से पिक करूंगा। वैसे तू ध्यान से कैसे पिक करेगा, तुझे क्या पता इसके अंदर से क्या निकलेगा। ओके 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 ओके, मारो 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 मारो, लेट्स गो, मारो मारो, जल्दी मार लो भाई बंदरों। अरे बंदर मेरी टीम है यार, सॉरी सॉरी, जल्दी मार लो डायनासोरो। अरे ये एक बचा है, जल्दी मारो गाइस हम लोग। अरे वहां पर दूसरा भी बचा है क्या? एक मिनट गाइस, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और बचा हुआ है, मार इसकी ऐसी भाई, तुम्हारे टेल पे इतना बड़ा पत्थर लगा, घूम के झटक दो इसको। हाँ टांगे तोड़ो इसकी, लेट्स गो गाइस, इसकी टांगे आज टूटनी चाहिए। एक और एक और, अरे भाई साहब उसके मुंह पे मार दिया, क्या कर रहे हैं भाई? ओके ओके, एक और एक और, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, दोनों के दोनों मिलके एक बंदर को नहीं मार पा रहे, मैं कब से सोच रहा हूँ, मार मार मारो। अरे यार मिस कर दिया। ओके दोबारा दोबारा, ओके गाइस ये तो नहीं, ये माजूर हो गया, मतलब गाइस ये लंगड़ा हो गया, दोबारा खड़े थे, निकल यहाँ से, खड़े होने की कोशिश ना कर। और ये क्या दोनों मर गए क्या? हाँ भाई उसने तो अपने यूनिट को ही मार दिया। और वहां पर क्या हो रहा है? अरे गाइस इसका मतलब ये है कि हम विनर है, मतलब दोबारा से शुरू करो यार, अभी हम लोग ध्यान से पिक करेंगे। हाँ ध्यान से पिक कर लेना, चलो दोबारा से पिक करोगे तुम लोगों को कौन सा चाहिए। अरे अरमान भाई अब मुझे सोचने दो, ग्रीन वाले के अंदर से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता गाइस, ग्रीन वाले के अंदर से क्या निकलेगा मुझे ये भी नहीं पता, रेड वाले के अंदर से क्या निकलेगा मुझे ये भी नहीं पता, ब्लू वाले के अंदर से क्या निकलेगा। अरे चलो रुको यार अरमान भाई, फिर मैं ये ब्लू वाला ले लेता हूँ। ठीक है गाइस सिंचन ने उठा लिया ब्लू वाला, और चॉप तू क्या उठाएगा? अरे मोर पे मुझे सोचने दो यार, अबे क्या सोच रहा, कोई भी उठा ले। अरे चलो मैं रेड वाला उठा रहा हूं। ओके गाइस रेड वाला चॉप ने उठा लिया, ब्लू वाला संजय ने उठा लिया, और इस दफा चॉप का जो पिछले मैच में था ग्रीन वाला वो मुझे मिला है। तो ठीक है गाइस, ग्रीन मेरा, इसके अंदर से जो निकलेगा वो मेरा यूनिट होगा, रेड के अंदर से जो निकलेगा वो होगा चॉप का यूनिट, और ब्लू के अंदर से जो निकलेगा वो होगा सिंचन का यूनिट। 1 2 3 एंड गो, लेट्स सी गाइस कि क्या निकलता है। गाइस ये ब्राजियोसोरस सिंचन का निकल आया, और अरे चॉप का गोरो तो जान निकल, मेरा
क्या निकला है? ओके गाइस, गोर हैमर भी अच्छा है, लेट्स गो गोर हैमर, यू कैन डू इट, मारो 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 मारो। अरे बाप रे बाप, गोर हैमर बहुत खतरनाक है यार, अबे दस कर दो गोर हैमर। अरे भाई साहब, गोर हैमर ने ब्राचियो सोल्ड को उड़ा के रख दिया, सारे के सारे हथौड़े मारो इनकी ऐसी की तैसी। गाइस बहुत खतरनाक मुकाबला हो रहा है, चॉप का ब्राचियो सोरस नहीं है बल्कि सिंचर का ब्राचियो सोरस है। अरे नहीं यार, मान भाई मेरा गोरोती जॉइंट है। अरे सॉरी 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 गाइस, मतलब ब्राचियो सोरस चॉप का है और सिंचर का गोरोती जॉइंट है। गोरोती जॉइंट कितने ज्यादा हो चुके हैं यार, और हमारे गोर हैमर भी अभी तक लड़ने की कोशिश करे, दूर से थोड़े मारते हुए। अरे कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है यार? वैसे चॉप मुझे लगता है कि तू जीत जाएगा। अरे नहीं यार, अमार मैं जीतूंगा, मेरा गोरोती जॉइंट बहुत खतरनाक है। हाँ एक मिनट गाइस, क्या पता मैं जीत जाऊं। अरे मामा मुझे तो लग रहा आप जीतोगे, जिस तरह आप थोड़े घुमा घुमा के मार रहे हो, मुझे तो पक्का पता है मामा आप ही जीतोगे यार। आई होप के चॉप मैं जीत जाऊं। ओके ओके गोर हैमर, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी मारो। मेरे ख्याल से गाइस ब्राचियोसोरस की क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, यानी कि ब्राचियोसोरस 20 निकल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ गोर हैमर वर्सेस गोरोती जॉइंट हो रही है, एक ही कैटेगरी के यूनिट है। अरे मैं एलिमिनेट हो गया क्या? अरे सिंचर तेरा गोरोती जॉइंट है ना भाई, क्या कर रहा है यार? मैं एलिमिनेट हो गया यार, अमान भाई सिंचर क्या कर रहा है यार? मेरा ब्राचियोसोरस था, मैं एलिमिनेट हो गया, तू और अमान भाई लड़ रहे यार। अरे सॉरी सॉरी यार अमान भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अरे नहीं गाइस, चॉप जीत जाएगा। अरे मैं तो एलिमिनेट हो गया यार। अरे भाई ये कितनी कंफ्यूजन है, कौन जीता? अरे मैं जीता यार अमान भाई, गोरोती जॉइंट मेरा था। हां गाइस सिंचर जीत गया, मतलब ये वाली बारी तो सिंचर जीत गया। इस दफा तो भाई चॉप तेरे ब्राचियोसोरस थे, फिर भी तू कुछ नहीं कर सका। अरे मेरे ब्राचियोसोरस आपके सामने था, आपने हथौड़े मुंह पे मार मार के मेरे ब्राचियोसोरस उड़ा उड़ा के रख दिया यार। वैसे आई एम सॉरी चॉप, लेकिन चलो तुम लोगों ने ही चूज किया था, मैं तो चूज भी नहीं कर रहा। आप क्या पिक करोगे भाई? एक मैं जीता हूँ, एक सिंचर जीता। अरे रमान भैया इस दफा दोबारा से मैं ब्लू वाला चूज करूंगा, क्योंकि ब्लू वाला बहुत खतरनाक है। अरे मैं भी रेड वाला चूज करूंगा, लास्ट टाइम ब्राचियोसोरस निकला था इसके अंदर से। अच्छा तो मतलब सेम ही करोगे क्या? चलो फिर ग्रीन वाला मेरा। अब आई डोंट नो गाइस इनके अंदर से क्या निकलेगा। वैसे तुम लोगों ने याद रखना है कि चॉप का 0 पॉइंट, 1 पॉइंट मेरा है और 1 पॉइंट सिंचर का है। 1 2 3 एंड गो, लेट्स सी गाइस कि आप क्या निकलता है। अरे रमा, अरे बाप रे बाप, ये बहुत सोरस किसका निकला? अरे गाइस बहुत सोरस मेरा निकल गया। अरे रमा बे बाप, तो पेल के रख दोगे यार। ओके हेडलेस हल्क निकला है चॉप का, और सिंचर का क्या निकला है? अरे सिंचर का गोरगन निकला गाइस, लेकिन गोरगन का क्या ही चांस है भाई, बहुत सोरस पेल कर दोनों को। अरे चॉप यार इस दफा ग्रीन वाला क्यों नहीं उठाया मैंने? हां क्या कह रहा था, ब्लू वाला तेरे लिए लकी है भाई, तेरे अंदर से गोरगन निकला है और गोरगन बहुत ज्यादा वीक है मोजोरोस के सामने। अरे मेरा भी हेडलेस हल्क किसी काम का नहीं है मोजोरोस के सामने यार, मोजोरोस सर को पकड़ के पेल के रख देता है यार। हां गाइस मोजोरोस हम लोग जीतने वाले, लेट्स गो। अरे यार अमान भैया मुझे ग्रीन वाला उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार इसके अंदर से मोजोरोस निकल आएगा। हां ये तो किसी को भी नहीं पता ना किसके अंदर से क्या निकलेगा, और तुम लोगों ने खुद ही चूज किया था, मैंने नहीं बोला। यार गाइस मोजोरोस बहुत स्ट्रांग है भाई, पक्का हम लोग जीतेंगे। ओके गाइस अभी तक गोरगन निकल रही है और मारी जा रही है, यहां पर हेडलेस हल्क निकल रहा है और मारा जा रहा है, इधर निकला और मारा गया, गोरगन निकली और मारी गई। हम लोग ना चुपचाप पीछे खड़े हो गए, मजे से देखते हैं, क्योंकि हमारा एक भी मोजोसोरस अभी तक नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। मतलब के 10 ये हैं और 10 अभी इसके अंदर थे जो कि अभी निकलने थे। अरे यार अमान भाई यार इस दफा आपको बहुत खतरनाक यूनिट मिल गया। गाइस मेरे पॉइंट हो चुके हैं 2 और सिंचर का 1 पॉइंट है, सिंचर को गोरोती जॉइंट मिल गया था ना लास्ट टाइम, अब बताओ क्या पिक करोगे। अरे अमान भाई इस दफा मैं ग्रीन वाला पिक करूंगा। अरे यार सिंचर तू क्या कितना ज्यादा रंग बदलता भाई, एक जगह पे बैठ जाना। अरे नहीं यार अमान भाई ग्रीन वाला मेरा, इसके अंदर से लास्ट टाइम मोजोसोरस निकला था। ठीक है गाइस सिंचर का ग्रीन वाला हो गया, इतना कंफ्यूजन होता है। चॉप तू क्या करेगा, ब्लू लेगा कि रेड? अरे मैं तो रेड वाला ही लूंगा यार अमान भाई, बस मैं एक ही कलर के साथ टिक के रहना चाहता हूँ। ठीक है गाइस रेड वाला हो चुका है चॉप का, और ये ब्लू वाला वापस से हो चुका है मेरा। अब देखते हैं गाइस कि इन तीनों कलर्स के अंदर से, यानी कि इन तीनों एनिमल स्पॉनर से क्या निकलता है। जो भी निकलेगा हम लोगों को बैटल के बाद ही पता चलेगा। 1 2 3 एंड गो, लेट्स गो, देखते हैं गाइस क्या निकलता है। अरे बाप रे बाप, क्या निकल रहा है यार अमान भाई, मेरा स्क्विड निकल गया यार। वो गाइस मेरा टीरेस निकला, सिंचर का क्या निकला? अरे टाइटन बोआ, टाइटन बोआ से डरने की कोई भी बात नहीं गाइस, टाइटन बोआ कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी उखाड़ नहीं सकेगा, टीरेक्स है हमारे गाइस। लेकिन मुझे चॉप से डर लग रहा है। अरे मापा यार मैं आपके टीरेस को पक्का मारूंगा, चॉप तेरे स्क्विड बहुत खतरनाक है यार, ये तो हवा में उड़े। अरे यार अमान भाई, अरे मेरे टाइटन बोआ निकल गया, लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। ओके गाइस सिंचर तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि टाइटन बोआ क्या ही कर लेगा, लेकिन यार टीरेक्स और ये स्क्विड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है मुझे याद नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से गाइस स्क्विड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्क्विड भी मर रहे हैं। अब तो गाइस ये एंड पे ही पता चलेगा, 20 यूनिट्स टाइटन बोआ के निकलेंगे। अरे गेम लैग कर रहा, बापे बाप यार अमान भाई ये क्या हो रहा है यार? अरे भाई किसने उठाकर फेंक दिया मेरे टीरेक्स को इतना हवा में? अरे वो देखो यार अमान भाई आपका टीरेक्स हवा में उड़ गया। ओके गाइस अरे ये क्या हो रहा है, ये कहां से टीरेक्स उड़ उड़ के गिर रहे हैं? ओके 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 स्क्विड और टीरेक्स और टाइटन बोआ ये तो मिक्सचर हो चुका है गाइस, पता नहीं कौन मार रहा है कौन जीत रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हम लोगों को एंड पे पता चलेगा, हम लोग चुपचाप यहां पर वेट करते हैं, इनकी आर्मी को एक दूसरे के साथ लड़ने दो, और साथ में मेरी आर्मी भी इनके साथ लड़ रही है, वेट करते हैं। अरे मामा यार मैं जीतूंगा, स्क्विड बहुत खतरनाक है यार। हां चॉप है स्क्विड बहुत खतरनाक है। अरे मेरे टीरेस निकलना रुक गए भाई साहब, गाइस लगता है कि 20 टीरेस निकल चुके हैं और टाइटन बोआ
अभी निकल रही, नहीं गाइस स्टार्टर वो आगे भी लिमिट पूरी हो चुकी है मेरे ख्याल से। स्क्विड देखता हूं निकल रहे कि नहीं निकल रहे। अरे गाइस अभी ना सब के यूनिट्स मैक्सिमम निकल आ चुके हैं, यानी कि 20-20 यूनिट्स निकलने थे, 20-20 यूनिट्स निकल आ चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन किसको मारता है। नहीं गाइस नहीं नहीं, स्क्विड के सामने हमारा कोई भी मुकाबला नहीं गाइस, ये स्क्विड हमारे सारे सारे टीरेक्स मार देगा। अरे चलो निकलो यार, अमर भाई आप तो दोबारा हार गए। अरे एक मिनट, एक मैच जीता था, एक सिंचर जीता, एक चॉप जीता। अरे हां यार अमर भाई एक मैच जीत गया यार, तो कौन जीता? पता नहीं गाइस कौन जीता कौन हारा। वैसे टेक्निकली तो मुझे जीतना चाहिए। हेल्थ देखते हो इनकी, ये दो स्क्विड बचे थे। अरे यार नहीं गाइस ये क्या बात हुई, हमारे टीरेक्स तक को मार दिया इन लोगों ने। अरे यार अमर भाई इसका मतलब ये है कि चॉप जीता। हां सिंचन चॉप जीत गया। एनीवे गाइस इस वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाना अगर तुम लोग इस तरह की और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हो। अभी तो हमारे पास एक एक एनिमल स्पॉनर था, अगर तुम लोग चाहते हो कि दो दो एनिमल स्पॉनर हमारे टीम में हर बंदे को मिलने चाहिए, यानी कि दो सिंचन के, दो चॉप के, दो मेरे, या फिर तीन मिलने चाहिए या फिर चार मिलने चाहिए, जो भी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।